Yes? Who is this? हॉरर मूवी देखने का सही वाला मजा तो सर्दियों में आता है। मैं तो यूजुअली मूंगफली और चाय पास रख के रजाई में घुस के बैठ जाता हूँ और लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। यूजुअली मूवी अकेले देखने की कोशिश करता हूँ ताकि मूवी का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा पड़े, लेकिन अकेले बैठ के हॉरर मूवी देखता रहो तो फिर अकेला फील नहीं होता बंदा, ऐसे लगता कोई पास में है। साइंस फिक्शन और हॉरर फिल्म्स मेरे फेवरेट जॉनर्स में से हैं, बट हॉरर मूवी के लिए दिल में एक अलग ही प्लॉट है। हॉरर मूवीज़ अक्सर काफ़ी अच्छी होती हैं, चाहे रेटिंग लो भी हो मुझे पसंद आ जाती हैं, लेकिन यार जब वो ये चीप ट्रिक यूज़ करती हैं, जी कॉल नहीं हो रही, लैंडलाइन नहीं चल रहा, नॉइज़ आ रहा है, मेरा मूवी से ऑटोमेटिक ही दिल उठ जाता है और उम्मीद उठ जाती है कि ये मूवी हॉरर नहीं है, टोटली सीधी सीधी लेजी राइटिंग है। बट आई लव इट जब कुछ मूवीज़ इसे क्रिएटिव वे में यूज़ करके मूवी में स्टोरी का इम्पैक्ट बढ़ा देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मूवी में अगर फ़ोन कॉल वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ़ोन कॉल पर जो कॉल है वो नॉर्मली हो रही है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो कॉल भी भूत या भला वो मिमिक कर रही है। या ड्रोनी मूवीज एक साइड पे, जो सस्पेंस और थ्रिलर वाली मूवीज हैं उनमें भी मोबाइल फोन्स बहुत कम इस्तेमाल होता है, यूजुअली कैजुअल कन्वर्सेशन चल रही होती है कॉल पे। कैसे हो, दही ले आना, कल अम्मा उठ के आ गई थी, कल आमना आई थी यूनिवर्सिटी में, बहुत प्यारी लग रही थी यार। लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है कि यूजुअली फोन की वजह से हम किसी भी बंदे को फौरन इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी मजीद वीक हो सकती है, और अक्सर पूरी फिल्म के शुरू होने से पहले अगर मेन कास्ट फोन कॉल करके किसी को बुला ले तो सारा मामला, जो मूवी सारी मूवी वाकया हुई है वो होनी नहीं थी, तो वो शुरू में ही खत्म हो जानी थी। तो मूवीज को मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के लिए फोन कॉल्स और लैंडलाइन सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं, इवन इंटरनेट और ईमेल्स भी, या फिर ये लेजी राइटिंग का शाहकार होता है।